फनी एंड कॉमिकल बिकॉज इस पूरे चैप्टर में जो ऑथर हैं या नरेटर हैं जिनका नाम है के वो अपने बाकी के दो फ्रेंड्स के साथ किस तरीके से यू नो पैकिंग का इंस्टेंस जो जो है जो है मोमेंट जिस तरीके से भी सीनारियो क्रिएट हुआ था द मेस क्रिएटेड बाय देम वो सब डिस्कस कर चुके हैं इन दिस चैप्टर एंड ऑल्सो इस पूरी स्टोरी में नेक्स्ट कैरेक्टर जिसकी एंट्री होती है वो है मॉन्ट मोरेंसी हु इज पेट ऑफ जीरोम तो किस तरीके से यू नो ऑलरेडी सबसे पहले जो जीरोम हैं वो किस तरीके से यू नो सूटकेस को पैक करते हैं इतना ज्यादा मेस क्रिएट करते हैं कभी कुछ रखना भूल जाते हैं कभी याद नहीं रहता उनको कि टूथब्रश पैक किया है कि नहीं एंड आल्सो वो अपने स्पेक्टिकल्स पैक कर देते हैं फिर से वापस से रीपैक करना पड़ता है सो इट्स अ वेरी बिग मेस क्रिएटेड फाइनली वो जो है 10:05 pm पे ये बैग पैक कर लेते हैं नेक्स्ट बारी आती है, है की अब उसे पैक करने का काम कौन करते हैं जो बाकी के इनके दो फ्रेंड्स हैं दैट इज जॉर्ज एंड हैरिस अब वो जो है इतने अच्छे हैं नहीं पैकिंग में स्पेसिफिकली हैरिस जो है इज वेरी बैड तो ये लोग जिस तरीके से मिस क्रिएट करते हैं सारी चीजें खराब हो जाती हैं दे बिगिन विद ब्रेकिंग अ कप सो इट्स कि भाई किस तरीके से ये लोग कर रहे हैं इस अच्छी सी तो कोई भी कर लेगा तो वो पूरा जो मोमेंट है वो भी की एंट्री होती है और वो जो है उसको बहुत मजा आता है हर चीज को खराब करना डांट खाना लोगों की यू नो बातें सुनना तो वो पेट का पूरा एम्बिशन या ऑब्जेक्टिव ही यही है यह लाइफ में कि कोई उसको चिल्लाए तो ये चीजें जो है देखकर अगेन स्टोरी जो है ओवरऑल और ज़्यादा फनी हो जाती है बट फाइनली एट दी एंड जब पैकिंग हो जाती है दे ऑल आर रेडी टू गो टू बेड उसके बाद भी एट दी एंड एक फनी मोमेंट होता है वो ये कि जॉर्ज जो है वो सो चुके होते हैं एंड ही वाज़ द वन जो उनको उठाने वाले थे एट सिक्स थर्टी ए एम तो ये जब बोलते हैं यू नो हैरिस और जिरोम इनको इन्फॉर्म करते हैं जॉर्ज को सिक्स थर्टी पे हमें उठा देना तो वो ऑलरेडी सो चुके होते हैं तो ये लोग क्या करते हैं एक बाथ तैयार करते हैं हैं यानी कि सॉर्ट ऑफ ऑफ बकेट वाटर या फिर कुछ ऐसा यूटेंसिल जिसमें पानी भर के ये लोग रख देते हैं, जहां पे जॉर्ज सो रहे हैं ताकि जब वो टर्न करें या जैसे ही वो उठें तो वो उस पानी में गिर जाए और उनकी नींद भी खुल जाए तो इस तरीके से यू नो एंड भी बहुत ज्यादा फनी है इस पूरे चैप्टर का तो ओवरऑल दिस चैप्टर इज रेडी वेरी कॉमिकल वेरी हिलेरियस बट इट्स जस्ट दैट इट टेल्स यू और इट मेक्स यू अंडरस्टैंड दैट कोई भी चीज करो भले वो छोटी सी छोटा टास्क क्यों न हो जैसे पैकिंग जो है बहुत ईजी टास्क लगता है बट इट्स नॉट दैट ईजी तो कोई भी टास्क हो वेदर इट्स रियली ईजी और इट्स नॉट दैट ईजी ऑलवेज यू शुड प्लान फोर इट एक प्रॉपर प्लानिंग जो है वो हमेशा आपको राइट रिजल्ट देगी ंग जो कि एक थीम या मैसेज है इस पूरे चैप्टर की नाउ लेट्स रीड द्लीट समरी वंस अगेन सो दैट सारे इंसिडेंट सारे मोमेंट जो है हमें वापस से रिवाइज हो जाए ऑल राइट सो द समरी बिगिन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक थ्री मेन इन अ बोट तो एज वी वर डिस्कउट्रोडक्शन सिर्फ एक, 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 है, ही एक you know, काम नहीं है जो लिखा है बल्कि थ्री मेन इन बोर्ड जो है इट्स बाय जीरो और उसमें से ही एक एक्सट्रैक्ट एक है पैकिंग जो हमको दिया गया है रिटन बाय जीरो बुक इज अ बोटिंग हॉलीडे Account of three friends, Jerome, the author, and his टू फ्रेंड्स तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये पूरी जो बुक है जिसकी बात हम किसकी करेंगे अच्छी बात है तो ये बोटिंग हॉलीडे की स्टोरी है जो की किसकी है थ्री फ्रेंड्स की दैट इज जिरोम जो की क्या है कौन है टीडियस वर्क ऑफ पैकिंग जस्ट बिफोर दे से जर्नी तो ये पूरा जो एक्सट्रैक्ट है पैकिंग का इट्स जस्ट यू नो दैट पार्ट ऑफ द बुक जहां पर हमें ये बताया गया है कि हाउ द नरेटर दैट इज जीरोम के जीरोम एंड हिज अदर टू फ्रेंड्स हैरिस एंड जॉर्ज आर बिजी इन पैकिंग फॉर देयर हॉलीडे तो किस तरीके से उनका ये पूरा यू नो इंस्टेंस चलता है वो पैक कर रहे हैं चीजें रख रहे हैं एवरीथिंग इज बीन टोल्ड इन दिस पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट जिररोम द नरेटर इज द वन हुक्सप्लेन्स हिज एक्सपीरियंस ऑफ पैकिंग नाउ यहां पर पूरी जो स्टोरी है वो बता कौन रहा है ये नरेटर ही बता रहे हैं जीरोम ही बता रहे हैं अबाउट द कम्पलीट इंस्टेंस किस तरीके से ये लोग पैकिंग करते हैं इनका क्या एक्सपीरियंस था किस तरीके से यू you नो know, तमेस क्रिएट होता है वट ही थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ एज अ गुड पैकर एंड हिज अदर टू फ्रेंड्स तो ये पूरा जो नरेशन है दैट इज समथिंग जो कि यहाँ पर जिरोम हमें बता रहे हैं कि एग्जैक्टली exactly होता क्या है Jerome the narrator, is the one who explains. He told them to leave the whole matter of packing to himself, to which they readily agreed. Now, Jerome kya karte hain He is like, I am the best in packing, so I would do it by myself. और वो अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं कि रहने दो, ये पूरा काम जो है, वो मुझे दे दो। I would do it by myself. अब इससे इनका मतलब क्या था? जेरोम actually meant by saying these words that वुड बॉस अराउंड द जॉब दैट इन्स वो जो है ये सारे इंडिकेशन देंगे सब यू you नो know, वो बताएंगे की करना क्या है कीप दिस थिंग देयर कीप दिस थिंग देर ऐसे पैक नहीं करते लॉ में दिखाता हूं तो इस तरीके के जो यू नो इंस्ट्रक्शन देने होते हैं

रेटर जो है नाउ ही हैज टू पैक एवरीथिंग बाय हिमसेल्फ बट दिस वाज नॉट दैट

The man would say that he enjoyed watching him go around doing all the work. यानी वो बोलते थे जो man थे who used to live with Jerome. He was of the thought that he loved the way he's just sitting and working. और वो जो हैं इस चीज को देखके बड़े खुश होते थे। कुछ लोग होते हैं ना? They are so lazy. They are like उन्हें काम करना पसंद नहीं होता उनको लोगों को देखना पसंद होता है कि वो कैसे काम कर रहे हैं हाँ ठीक है इसको इस तरीके से कर दो यानी एक सुपरवाइज जो करने की चीज होती है वो बड़ी पसंद होती है कुछ लोगों को सेम वे ये मैन थे हु वुड डू द सेम थिंग नाउ जीरोम वज ऑफ द थॉट कि मैं भी यही करूंगा इस बार बट ही कुड नॉट डू इट बिकॉज जॉर्ज और हैरिस जो है वो लिटरली इनका मीनिंग वैसा ही ले, ले लेते हैं कि ठीक है जिररोम जो है वो खुद ही कर लेंगे पैकिंग एंड आई राइट दिस वुड मेक दैड विथ एंगर ऑब्वियसली जब मैन जो हैथिंग इस चीज से बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते थे और उनको बहुत ज्यादा यू नो अनोइंग फील होता था ऑब्वियसली यू वुड ऑल्सो फील द सेम राइट इफ यू आर देर काम कर रहे हो और कोई बैठ के सिर्फ आपको देख रहा है कोई हेल्प नहीं कर रहा है आपकी और खुश हो रहा है आपको कि हाँ हाँ मुझे अच्छा लगता था तो मैं ऐसे काम करते हुए देखना सो दैट वुड बी समिंग जो कि आपको अनॉय करेगा एंड सेम थिंग विध जीरो रोम बोलते हैं कि आई डोंट लाइक टू सिट आइडियल एंड यू नो बाकी को देखना की बाकी स्लेवस की तरह you know, बहुत बुरी तरीके से काम कर रहे हैं ये बैठ के देखना मुझे पसंद नहीं है

वॉक करते हुए उनको डायरेक्शन देते हुए इंस्ट्रक्शन देते हुए यानी उनको इस तरीके से पसंद नहीं था कि यू नो बैठ के वो देखे किसी को काम करते हुए बल्कि उनको क्या पसंद था कि वो यू नो वॉक करते हुए पॉकेट्स में हाथ डाल के यू you नो know, बता रहे हैं कि हाँ इसको इस तरीके से करो इसको इस तरीके से करो सॉर्ट sort ऑफ of, इतना ही सेम ही हो जाता है वो चीज़ बट एक वॉक करते हुए उनको लगता है ये अलग ही बात है कि अलग ही एनर्जी है और मैं क्या करूँ अगर मुझे में इतनी एनर्जी है तो सो दिस इज समथिंग जो नरेटर यहाँ पे बोलते हैं

नाउ अब जिरोम जो है ऑब्वियसली वो पूरा पैक वगैरह करते हैं एंड जब ये मोमेंट आता है व्हेन ही इज़ अबाउट टू क्लोज द बैग उन्होंने सब कर दिया चेन वेन लगा दी बंद कर दिया तभी हैरिस जो है जो हैं वो इनको रिमाइंड करते हैं like, वो सब कुछ कर देते, बट कहीं पे पीछे वो देखते हैं तो है, भूल गए रखना Now, like, वो पहले ही बोल सकते थे बिकॉज उनको दिख रहा था राइट बूट्स पैक करना भूल गए हैं जीरोम तो वो पहले ही इन्फॉर्म कर सकते थे इनको, बट वो ऐसा करते नहीं है बिकॉज जीरोम का कहना है कि वो ऐसे ही है एट दी एंड मजे लेने के लिए बाद में कहते हैं कि हाँ तुम इस तरीके से बूट भूल गए अब ऑलरेडी वो पैक कर चुके

बट सडनली एक थॉट जो है उनके दिमाग में आता है एंड दैट इज whether he has packed दिस toothbrush or not. नॉट दिस इज समथिंग विच इज एन एसेंशियल थिंग एंड ही इज ऑफ दी व्यू कि हमेशा वो भूल जाते हैं कि उन्होंने टूथ ब्रश पैक किया या नहीं तो वो जो है अब यही सोच रहे हैं कि मैंने टूथ रखा है कि नहीं रखा है लेट्स सी कि आगे क्या होता है He says that he never remembers if he has packed the toothbrush or not. तो वो वही बोलते हैं I don't know क्यों मुझे इसका कभी रीजन नहीं पता चला बट ऑलवेज जब भी मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ नरेटर सेज ही ऑलवेज इज लाइक उन्हें याद नहीं रहता कि मुझे टूथब्रश मैंने रखा है कि नहीं रखा है एंड मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स ही फोगेट्स टू पैक इट

फिर उसको यूज कर लेते हैं फिर उसको बाद में रखना वो भूल जाते हैं विच इज ऑब्वियस विच इज नेचुरल बट अब यहां पर ये भी हो सकता है कि वो ये भी तो चीज कर सकते हैं कि दैट ही वुड यू नो बाय एंड कीप इट दैट इज समथिंग एल्स यहाँ पर वो स्टोरी बनानी है तो बता रहे हैं कि वो जो है हमेशा टूथब्रश जो है भूल जाते हैं एंड ही इज लाइक ही वुड यूज इट एंड अगेन ही वुड यू नो फोगेट टू पैक इट तो इस तरीके से वो हमेशा क्या करते हैं टूथब्रश भूल जाते हैं फिर एट दी एंड क्या होता है As it is the last thing that comes out of the bag and he has repacked the bag, he forgets packing it again. At the last moment, he rushes to his room to get the brush and finally he wraps it in his handkerchief and carries it to the railway station in his. हैंड तो वो ये बोलते हैं कि वॉट ही वुड डू इज एट दी एंड जब उनको याद आता है अरे नहीं मैं तो टूथब्रश भूल गया हूँ तो वो जो है जब नीचे पहुंच जाते हैं अपने घर के यू नो देन ही वुड अगेन गो क्लाइम द यू नो स्टेयर्स और फिर से वो रूम में जाएंगे टूथब्रश लेंगे ही वुड रैप इट इन इज हैंक चीव और उसको फिर से अपने पॉकेट्स में रखकर रेलवे स्टेशन के लिए निकल जाते हैं तो इट्स लाइक कि हमेशा ये जो टूथब्रश वाला सीनारी है उनके लिए बहुत ज्यादा अनोइंग होता है एंड ही इज नॉट एबल टू यू नो फाइंड द रीजन कि ऐसा क्यों होता है क्लियर ऑल राइट

एंड ऑल्सो यहाँ पर हमें आगे यू नो वहाँ पता चलता है thing, कि जब वो अपना टूथब्रश ढूंढ रहे होते हैं तब अराउंड एटीन टाइम्स जो है वो हैरिस और जॉर्ज का टूथब्रश देख चुके होते हैं इन द बैक बट उनको खुद का ही टूथब्रश नहीं मिलता है सून आफ्टर जॉर्ज क्वेरीज अबाउट द सोप बट ही गेट्स इरीटेटेड इग्नोर्स द कॉमेंट एंड पैक्स हिज बैग रिगार्डलेस नाउ ही इज लाइक एक बार फिर से उनको रीपैक करना पड़ा सब चीजें वापस रखनी पड़ी टूथब्रश वाली चीज ने बहुत ज्यादा इनको इिटेट कर दिया तो जब यू नो ये वापस से बंद करने वाले होते हैं बैग तो जॉर्ट जो है वो इनसे एक बार इंक्वायर कर लेते हैं वेदर यू हैव पैक द सोप और नॉट इन दिस टाइम ही सो इरिटेटेडर इज सो मच नॉइट ही इज लाइक मुझे नहीं पता आई डोंट केयर मैंने सोप रखा है कि नहीं रखा ही इग्नोर्स वॉट जॉर्ज सेट और वो जो है बैग को वापस से पैक करके रख देते हैं Then he realized that he had packed his spectacle in it too and had to open it again to get them. Finally the bag was closed at 10:05 p.m. Now finally क्या होता है When he is like Ki, I don't care बट वॉट है उनको याद आता है कि भाई मेरे जो चश्मे हैं जो spectacles हैं वो भी मैंने कहाँ पैक कर दिए हैं इस बैग में and that is something जो उनको चाहिए so, again, he opens it up again वो spectacles निकालते हैं वापस से बैग को पैक करते हैं बट फाइनली इतने ज्यादा मेस के बाद इतने you know, के क्या होता है? Finally, the bag is packed at 10:05 p.m. ज दूडर्स वेफ्टी डन जॉर्ज एंड अब क्या बचता है जो ट्रेवलिंग के टाइम पे उनको खाना चाहिए उसका जो बास्केट है उसको पैक करना ये जो जॉर्ज सॉरी जिरोम हैज बिन वर्किंग फॉर सो लॉन्ग बहुत टाइम से वो पैक कर रहे हैं इतना ज्यादा मिसमेस क्रिएट हो गया तो जॉर्ज एंड हैरिस का मानना है कि ये जो है का काम है वो खुद कर लेंगे एंड देथिंग विल डू George and Harris started by showing that they were better than Jerome at

Now George and Harris started by showing that they were better than Jerome at packing Jerome was excited to see how they would proceed and as

की पैकिंग में तो जीरोम वॉज लाइक मुझे पहले ही पता था कि हाउ गुड दे आर एट पैकिंग क्लियर ऑल राइट

तो आप क्या करोगे आप जो है उनको सबसे ऊपर रखोगे राइट बट ये लोग क्या करते हैं ये टोमेटो इन सबको नीचे रख देते हैं, हैं, हैं में और उसके ये के जो हो जाते हैं फिर पाइज पूरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एंड ऑल्सो जो बटर का पीस है वो जो है उसपे जॉर्ट जो है उसपे स्टेप कर जाते हैं मीन्स उन लोग का काम जो इतना मेसी है बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं है वो लोग तो इसकी वजह से जो पैकिंग इतनी छोटी सी पैकिंग दैट इज

फाइनली ट्राई टू पुट ऑल द थिंग्स टुगेदर सिस्टमैटिकली नाउ दे आर अवेयर कि भाई किसको किस तरीके से रखना है नीचे क्या प्लेस नहीं करना किस चीज़ को हैवी है तो भाई ऊपर प्लेस करना हैम्पर में तो अब इनको समझ आ जाता है तो फाइनली सिस्टमैटिकली वो जो है इन सब चीज़ों को पैक कर लेते हैं एंड देन दैट डॉक मॉन्ट मोरेंसी केम इनटू द सीन ओनली टू ऐड टू द नाउ एज वी ऑल नो द नेक्स्ट कैरेक्टर इज मॉन्ट मोरेंसी हु इज पेट डॉग ऑफ जीरोम अब ये जो डॉग है भाई ही इज द वन जिसको बहुत मजा आता है मेस क्रिएट करने में परेशान करने में हर एक चीज में जाने में तो अब जो है इनकी एंट्री होती है तो ओवरऑल ऑलरेडी इतना ज्यादा कमोशन इतना क्योर्स इतना मेस क्रिएट हो चुका है बट नाउ ही वुड एड टू इट नॉ मॉन्ट मोरेंसी वॉज अ नॉट ई डॉग हुज एम इन लाइफ वॉज टू क्रिएट हर्डल्स एंड गेट्स कोल्डेड ही वॉज द वन जिसका ऑब्जेक्टिव जिसका एक एम है वही यही था कि मुझे कुछ ऐसे सीनारियों क्रिएट करने जिसमें मुझे डांट पड़े आई एंड ऑफ बींग स्कोल्डेड और मैं इस तरीके से यू you नो know, ये सब चीजें करूँ या फिर क्रिएट करूँ इतना कमोशन जिसकी वजह से लोग मुझे या तो मारें या फिर ह्यूमन बींगो you know, मुझे चिल्लाए और ये चीज बहुत अच्छी लगी थी किसको मॉन्ट मोरेंसी को नॉ लेट्स रीड कि वो एक्जैक्टली exactly किस तरीके से यू नो इसम में और एड करते हैं मॉन्ट पोरेंसी ऐसे टाइप का पेट है ऐसा डॉग है जिसे अगर पूरे दिन में डांट नहीं पड़ती तो उसका पूरा दिन जो है वो सही तरीके से बीतता नहीं है यानी अगर मॉन्ट फोरेंसी को डांट पड़ जाती है किसी के भी थ्रू तो उसका पूरा दिन जो है उसके लिए ऐसा लगता है कि बहुत ही ब्यूटीफुल बीता अदरवाइज ही फील्स की ये डेट तो वेस्ट गया क्योंकि मेरे को किसी ने चिल्लाया नहीं रूम एंड सैट ऑन दैम तो फाइनली जब चीजें जो है वो पैक होने वाली थी तो मॉन्ट मोरेंसी आते हैं और वन सब चीजों पर बैठ जाते हैं वेन एवर हेरिस और जॉर्ज एक्सटेंडेड हैंड फॉर एनी थिंग मॉन्ट मोरेंसी मेड इट अपट द रीच फॉर हिज नोज अब जब भी उन्होंने जॉर्ज और हैरिस बिकॉज वो पैकिंग कर रहे हैं तो वो जब भी किसी भी चीज को ढूंढने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं तो क्या लगता है मॉन्ट पोरेंसी को कि ये जो है मेरे लिए कुछ सर्च कर रहे हैं मुझे बुला रहे हैं तो वो आगे आके अपनी नोस को पकड़ा देता था उनके हाथ में सॉट sort ऑफ of, कह सकते हो मॉन्ट पोरेंसी का ऐसा डॉग है जैसे कि बाकी के डॉग्स होते हैं जिन्हें बहुत ज्यादा अटेंशन चाहिए होता है बहुत ज्यादा अफेक्शन चाहिए होता है तो इस तरीके से वो अटेंशन ग्रैप करने की कोशिश करते थे नाउ ही पुट हेज लेग इन टू द जैम डिसऑर्गे टी स्पून एंडर्ड लेम अब किस तरीके से ये मेस को बढ़ाते हैं जैम का जो जार होता है उसमें अपना लेग डाल देते हैं माउंट मोरेंसी देन टी स्पून जितने अच्छे से ऑर्गेनाइज होते हैं उनको डिसऑर्गेनाइज कर देते हैं एंड ऑल्सो उनको लगता है कि जो लेमस रखे हुए हैं में, they are rats. वो उनको चेस करने की कोशिश करते हैं उनको जो है मारने की कोशिश करते हैं लाइक मॉन्ट मोरेंसी इज ऑफ दूट डीज लेस आर रैड्स एंड ही ट्राइज टू किल After uncountable obstacles and tremendous efforts, finally the packing was done at 12:50, and Harris sat on the hamper, hoping that nothing was broken. But finally, इतना ज़्यादा commotion create होता है, mess create होता है. We are also like, you know, we will also take that sigh, that breathing, you know, for relief. कि हाँ भाई, finally कुछ तो pack हो गया इनका. तो hamper जो है इनका finally pack हो जाता है at around 12:50, and these guys are very tired. Obviously, इतनी देर से packing में ये लोग लगे हुए हैं, और वो भी इतना mess create होने के बाद finally कुछ इनकी पैकिंग होती है एंड हैरिस वॉज लाइक जैसे होता है ना कब हम इतना थक जाते हैं जब काम वाम करके तो जो चीज मिलती वहीं वही भी बढ़ जाते हैं तो हैरिस ने क्या किया इतनी मुश्किल से इन लोगों ने हैम्पर पैक किया वो उसी पे बैठ जाते हैं एंड हैरिस इज लाइक कि मैं यू नो होप करता हूँ कि कुछ टूटा ना हो ऑब्वियसली टूटा होगा खाने की चीजें बट ही वॉज सो टायर्ड ही टायज लाइक कि लेट इट ले भी कुछ टूटा ना हो बस मैं यही होप करता हूँ अब इस इसमें जॉर्ज का रिएक्शन क्या होता है

फ्रेंड्स so, तो जैसे ही ये बेड की तरफ जाते हैं यू नो सोने के लिए तो जॉर्ज जो है वो हैरिस और जीरोम से पूछते हैं कि कितने बजे तक यू you नो know, मुझे आप लोग को उठाना है हैरिस से सेवन ओ क्लॉक वाइल जीरोम मेंटेन सिक्स तो हैरिस कहते हैं कि भाई सेवन ए एम इन द मॉर्निंग मुझे उठा देना बट जीरोम बोलते हैं सिक्स ए पे उठाना बिकॉज मुझे कुछ लेटर्स लिखने हैं Now they split their difference and agree to wake up at 6:30 a.m. and finally go off to sleep. But finally, क्या होता है? Split the difference का मतलब क्या होता है? एक sort of बोलते हैं ना कि एक यू uh, नो you know, एक आर्ग्यूमेंट uh, कर लेते हैं सॉट ऑफ ये कि हर चीज हाँ ठीक है ना तुम्हारी ना मेरी जो हम बोलते हैं हिंदी में उसे कहते हैं स्प्लिट द डिफरेंस तो ये लोग बहुत ज्यादा डिस्कशन करते हैं और बोलते हैं कि चलो ठीक है मुझे छह बजे उठना है तुमको सात बजे उठना है तो हम बीच में टाइम रख लेते हैं दाढ़े सिक्स थर्ट एम तो फाइनली ये लोग डिसाइड करते हैं कि साढ़े छह बजे ये लोग उठेंगे जॉर्ज वॉज ऑलरेडी अस्लीप बाय देन सो जॉर्ज एंड जिरोम प्लेस सो हैरिस एंड जीरोम प्लेस बात वेर ही को टम्बल इंटू ऑन गंग अपन द मॉर्निंग एंड वेट टू बैड बेड सेव अब क्या होता है ये जॉज को फाइनली जब बताते हैं तुम्हें उठाना है तब तक जॉर्ज ऑलरेडी सो चुके होते हैं तो हैरिस और जिरोम जो है वो क्या करते हैं एक प्रैंक करते हैं वो एक बात क्रिएट करते हैं मे बी एक बकेट ऑफ वाटर या फिर किसी एक ऐसी चीज़ में पानी भर के रख देते हैं जहां पर so मे बी तो so you know, इसका ये भी रीजन हो सकता है कि, you know, अब तो वो सो गए उनको टाइम का तो पता ही नहीं है तो जैसे वो पानी में गिरेंगे तो वो खुद भी उड़ जाएंगे और इन लोग की भी नींद खुल जाएगी तो so, इस तरीके से यू you नो know, इस को एंड करते हैं ये लोग ये पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट जो है पैकिंग का इस तरीके से एंड होता है कि किस तरीके से

जो भी डाउट्स होंगे दैट वुड वी क्लियर ब्यूटिफुल मीट वेरी सून टिल देन टेक केयर ऑफ ये और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय